हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास सिक्स के एलसीएम और एससीएफ दोनों को मिलाकर दोनों से मिला हुआ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। क्वेश्चन हमारा होगा रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में है और आता भी रहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड देयर एससीएफ इज 12, फाइंड द एलसीएम। मतलब कि जो दो नंबर है जिसका एलसीएम हम निकालते हैं या फिर एससीएफ निकालते हैं, उस दो नंबर का प्रोडक्ट दे दिया हुआ है। मतलब दोनों नंबर का आपस में गुणा करने के बाद जितना आता है सो दिया हुआ है, और उसका एससीएफ भी दोनों नंबर का दे दिया हुआ है। जिस नंबर का यह प्रोडक्ट है उस नंबर का एससीएफ दे दिया है, पूछ रहा है एलसीएम। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ गिवेन नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ गिवेन नंबर्स, जो दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है वह, अब बाई एससीएफ दिया हुआ है तो एससीएफ। कभी कभी क्या होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट दे देगा और एलसीएम दे देगा, तो पूछेगा एससीएफ, तो दो नंबर का प्रोडक्ट अब बाई एलसीएम लिख देंगे। लेकिन यहां पर एससीएफ दिया हुआ है और पूछ रहा है एलसीएम, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और बाई एससीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है, 2160, और बाई एससीएफ क्या दिया हुआ है, 12। अब 12 से इसमें डिवाइड करके काट देना है। आप रफ में डिवाइड का यूज कर सकते हैं और जितना टाइम इसमें कटेगा वह हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ रफ कर रहे हैं 2160, वन टाइम्स में 12, वन में से 12 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 11, 11 में से 2 गया 9, खत्म हो जाएगा 6। और 12 के टेबल में 96 आता है, 12 एट जा 96, ऊपर क्या है 0, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। मतलब कि 12 से यह 180 टाइम्स में कट जाएगा, तो इसीलिए हमारा एलसीएम जो हो जाएगा वह 180 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट अब टू नंबर नहीं दे देगा, दोनों नंबर दिया रहेगा, एक नंबर और दूसरा नंबर भी दे देगा, तो फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर और बाई एससीएफ कर देंगे। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको एक दिखाता हूँ, पर आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखिए। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, द एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एल सी एम इज 2175। मतलब कि दो नंबर का एस सी एफ दे दिया है और एल सी एम दे दिया है, ओके। और जो दो नंबर है उसमें से कोई एक नंबर हमारे सामने दे दिया हुआ है, क्लियर है? तो दूसरा नंबर पूछ रहा है, क्लियर है ना? दो नंबर का एससीएफ दे दिया, दो नंबर का एलसीएम दे दिया, और उस दो नंबर में से कोई एक नंबर दे दिया है, तो दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो उसके लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे, अदर नंबर इक्वल टू, जो नंबर निकालना है वह इक्वल टू एलसीएम जो दिया हुआ है 100 गुने जो एससीएफ दिया हुआ है 100, अब बाय जो एक नंबर दिया हुआ है 100। तो एलसीएम हमारा है 145, एससीएफ 145, एलसीएम हमारा है 2175। देखिए, एलसीएम गुना एससीएफ लिखिए या फिर एससीएफ गुना एलसीएम लिखिए, गुना में इधर उधर चल सकता है। और बाई जो एक नंबर दिया हुआ है 725, उसको हमने मेंशन कर दिया। अब 725 से 2175 को आप डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, ओके। कैंसिल हो गया, अब यहाँ बच गया 145 इंटू 3, 145 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा 435। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस टाइप के फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला लगाएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा डाला गया होगा यूट्यूब पर, उसमें सारे फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो उस फार्मूला को रिवाइज करके इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ओके।